जिस चीज़ को आपको हम दिखाएंगे उसके बाद आपको भी झारखंड के सरकारी इंजीनियरों को सैल्यूट करने का दिल करेगा। यह जलमीनार की तस्वीर है, आप देख सकते हैं जलमीनार के ऊपर पेड़ है, पेड़ के नीचे सोलर पैनल है और उसी सोलर पैनल पे जब धूप पड़ती है तब जाकर पानी ऊपर चढ़ता है और ग्रामीणों को मिल पाता है। इस वक्त हम गुरुजी के घर नेमरा जाने वाले रास्ते पर है और वहीं पास यह जलमीनार स्थित है और धूप नहीं पड़ने के कारण जो है पानी नहीं आ पा रहा है। अब यहाँ के सरकारी इंजीनियर ही बताएं कि आखिर बिना धूप के सोलर सिस्टम से पानी कैसे आ पाएगा। मगर इस समस्या से यहाँ के लोगों को कितने दिनों से जूझना पड़ रहा है, आइए हम जानते हैं। कितना दिन से इसको इस तरह से देख रहे हैं आप लोग? एक दो साल हो पानी आओ, पहले इतना दिक्कत करना पड़ रहा है, पानी नहीं मिलता। पानी नहीं मिल रहा है तो कहाँ करेगा, दिक्कत में अभी तो इधर उधर कुआं से ढूंढ ढूंढ के खाता है। जब ये बन रहा था तब आप लोग नहीं बोले कि ऊपर पेड़ है तो पानी कैसे यहाँ आएगा, कैसे चढ़ेगा? तो पहले अपने से बनाया ना उधर, वो बना था उस टाइम पानी आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। आप लोग बता बोले नहीं कि जब जो है सोलर सिस्टम कि वहाँ पर देख दीजिए तो यहीं बढ़ रहा है कि यहीं देंगे, तो ऐसे में फिर लोगों को सुविधा कैसे मिल पाएगा, कहाँ से मिलेगा? पानी का कितना दिक्कत होता है? पानी के बहुत दिक्कत होता है, 3 बजे निकलता है सो, यहाँ से निकलता है कि पिया से हुआ तो उसमें नहीं करता। बिल्कुल आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं ऊपर पेड़ है, उसके नीचे सोलर पैनल है और उसी से पानी आता है। अब झारखंड के सरकारी मंत्री ही बताएं या फिर इंजीनियर बताएं कि आखिर धूप नहीं पड़ेगा तो सोलर सिस्टम में पानी कैसे आएगा।